आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज कासिम अंसारी जी की लिखी हुई कहानी वीराना का पार्ट वन। सबसे पहले मैं कासिम अंसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी है और इस कहानी को पढ़ने का मौका मुझे मिला है। दोस्तों, कासिम अंसारी जी एक प्रसिद्ध लेखक हैं। वो अपनी लेख नियमित तौर पे प्रतिलिपि ऐप पे प्रकाशित करते रहते हैं। अगर आपको उनका कहानी पढ़ना है तो आप लोग डायरेक्ट उनको फॉलो करके उनका कहानी पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखी हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। कहानी सुनने के बाद अगर आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, प्लीज मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की कहानी, कासिम अंसारी जी की लिखी हुई वीराना का पार्ट वन। ठहरो, गाड़ी रोक दो। पेड़ की दूसरी तरफ से किसी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर टांगे वाले ने लगाम खींच ली। घोड़ा अपनी खौफनाक आवाज में हिनहिनाते हुए रुक गया, मगर वो रुका जरूर था लेकिन बहुत बुरी तरह टापे मारने लगा था, जैसे वो कहीं भाग जाना चाहता हो। तांगे वाले ने उसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर इस कोशिश में तांगे वाले के पसीने छूट गए, लेकिन उसकी तमाम कोशिश बेकार गई। लगाम तांगे वाले के हाथ से छूट गई, न सिर्फ ये कि मैं तांगे से गिर गया बल्कि पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त शमशाद भी अपनी सीट से उछल कर गिर गया। अचानक उसके हलक से एक लंबी सी चीख निकल गई, जबकि घोड़ा दौड़ता हुआ अंधेरे में कुछ ही लम्हों में गायब हो गया। क्योंकि घोड़े ने लगाम चुराने के लिए बहुत टापे मारी थी, इसीलिए कच्ची जमीन की पाउडर नमा मुलायम मिट्टी में से बादल उठने लगे थे। बादल दिखाई तो नहीं दिए थे, अलबत्ता मेरी सांस के साथ मेरे हलक तक पहुंचने वाली मिट्टी ने मुझे खांसने पर मजबूर कर दिया था। चांद की यह आखिरी तारीख थी और अंधेरे का आलम था। बग्गी से गिरने वाला दोस्त मेरा शमशाद मुझे नजर नहीं आया। अगर उसकी कराहे मेरे कानों से टकरा रही नहीं होती तो मैं खुद को बिल्कुल तनाव महसूस करता। शमशाद की आवाज सुनकर मैं अपनी तकलीफ भूलकर उठ खड़ा हुआ। मुझे सहारा तो दो कमबख्त, मेरे कपड़ों की तो ऐसी तैसी हो गई है। शमशाद की बात पूरी होने से पहले मैं उसके करीब पहुंच गया, लेकिन ये देखकर रुक गया कि कोई है जो शमशाद के बगल से सहारा देकर उसे उठा रहा है। हम देहाती लोगों के लिए माहौल का अंधेरापन कोई महत्व नहीं रखता। वैसे भी रात की सर्द और हड्डियां जमा देने वाली हवा ने हमको बहुत दूर तक धकेल दिया था, इसलिए मैं दोनों की हरकत करती छाया को देख सकता था। वो एक लड़की थी, मगर मुझे इस वक्त अपने दोस्त की परवाह थी। मुझे अफसोस है शमशाद, मेरी वजह से तुमको कई तकलीफ उठानी पड़ी। आप कौन है? मैंने दूसरी छाया को देखते हुए कहा, जबकि शमशाद गालियां बकते हुए और अपने कपड़े सही करता हुआ सिर को झार रहा था। अब मैं धीरे धीरे कदमों से चलकर उन दोनों के पास पहुंच गया। चांदनी रात थी, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा अंदाजा सही था, वो लड़की ही थी। उम्र करीब 24 से 25 के करीब ही होगी। उस लड़की ने मुझसे कहा, मेरा नाम रुबीना है साहब, यही पास में मेरा घर है। मैंने उस लड़की से कहा, तुम दर्द से कराह रही थी, क्या हुआ था तुम्हें? उसने कहा, कुछ नहीं, वहां झाड़ियों की तरफ अंधेरा था, मुझे सामने पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया और मैं गिर गई। फिर मैंने शमशाद से पूछा, तुम ठीक तो हो? शमशाद ने कहा, क्या खाक ठीक हूं, बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा काम तमाम हो जाता।
मैंने तुझसे मना किया था अमान कि हमें रात के सफर से बचना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। नतीजा सामने है। उसका कहना भी सही था। जहां हम लोग खड़े थे वहां सैकड़ों मील दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, और मैं अपने घर जा रहा था। मेरा घर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था। दिक्कत यही थी कि यहाँ सिर्फ तांगे से ही आया जा सकता था। यहाँ पर कार नहीं आती थी क्योंकि अभी यहाँ पर सड़क नहीं बनी थी। मैंने शमशाद से कहा, घबरा मत। शमशाद को मेरी इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे घोड़े भाग गए और इस वक्त भयंकर ठंड में हम वीराने में खड़े हैं। यहाँ आसपास कोई मौजूद नहीं है, हम घर कैसे पहुंचेंगे? मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिर मेरी नजर उस लड़की पर गई। मैंने उस लड़की से फिर पूछा, तुमने अपना नाम रुबीना बताया है ना? उस लड़की ने कहा, जी बाबूजी, मेरा नाम रुबीना ही है। तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? पास में ही मेरे खेत है। वैसे मेरा भाई रात में खेतों की रखवाली करता है, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब थी तो मैं आ गई। मैं जा रही थी कि अचानक सामने से पत्थर आ गया और मैं गिर गई, और फिर वो सब कुछ हुआ जो इस वक्त आपके सामने है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? यही पास में है बाबूजी, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हो, और वैसे भी सुबह तक यहाँ पर कोई नहीं आता। इतनी रात को आप यहाँ कैसे रहोगे? मैंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि एक तो यहाँ जंगल ही जंगल है, इस जंगल में कहाँ इसका घर हो सकता है और इस जंगल में कौन रहता होगा। मगर मेरे दोस्त ने मुझे अकेले में बुलाया और कहा, इस वक्त इस लड़की की बात मानने में ही भलाई है, ये लड़की सही कह रही है, हम इस वीराने में इतनी रात में क्या करेंगे। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, चांद की आखिरी रात है, हमारे गांव में चांद की आखिरी तारीख को मैं इस जगह पर आना मना है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इतनी सुनसान जगह में ये लड़की अकेले क्या कर रही है? यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, उसका घर यहाँ पर कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त मुझसे गुस्से से घूरने लगा। मैंने बात को संभालते हुए कहा, मेरी बात मानो शमशाद, यहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी ही नहीं है, कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखी। ये सुनकर शमशाद थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। असल में शमशाद मेरा शहरी दोस्त था, वो यहाँ पहली बार आ रहा था। हम दोनों साथ में हॉस्टल में रहते थे। शमशाद का घर भी उसी शहर में था। मेरे घर वालों ने हमें रात का सफर करने से मना किया था, मगर मुझे पूरा यकीन था कि शाम तक मैं गांव पहुंच जाऊंगा। बस रास्ते में कहीं खराब हो गई और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। बड़ी मुश्किल से रात के वक्त एक तांगे वाला हमारे गाँव जाने के लिए तैयार हुआ, और यहाँ तक आते आते ये सब कुछ हो गया। अचानक मेरा ध्यान तांगे वाले की तरफ गया और मैं हैरत में था कि हम लोगों को तांगे वाले का ध्यान क्यों नहीं रहा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। मैंने शमशाद से कहा, शमशाद, तांगे वाला कहाँ गया? घोड़े तो भाग गए। शमशाद के चेहरे पर पसीना आ गया। उस सर्द हवा में हमारा बदन पसीने पसीने हो गया। शमशाद ने कहा, तू सही कह रहा है यार, हमारा ध्यान तो उस तांगे वाले की तरफ गया ही नहीं। फिर हम टॉर्च लेकर हम उस तांगे वाले को ढूंढने लगे। अचानक हमारी नजर सामने पड़े पत्थर पर पड़ी, उस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर हम और घबरा गए। फिर हमने करीब जाकर देखा तो हमें झाड़ियों में किसी का जिस्म नजर आया। हम भाग कर वहां पर पहुंचे तो वही तांगे वाला पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे कि उसमें जान ही नहीं है। शमशाद ने जाकर उसकी नब्ज चेक करी और वो और घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, अमन, इसकी नब्ज नहीं चल रही है, ये मर चुका है। मैंने कहा, ठीक से चेक करो, चोट होगी, शायद बेहोश होगा। तभी वो लड़की हमारे पास आ गई।
उसने कहा, रुको बाबूजी, मैं देखती हूँ। फिर हमने देखा कि वो लड़की उसका हाथ पकड़कर कुछ पढ़ने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ उस दांगे वाले के सीने पर मारे। अचानक वो उठ गया और घबरा कर हम लोगों की तरफ देखने लगा और पूछने लगा, बाबूजी क्या हुआ था? मैंने तांगे वाले से कहा, घबराओ मत, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, पर मैंने देखा तांगे वाला बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। फिर उस तांगे वाले ने कहा, बाबूजी घोड़े कहाँ है? मैंने कहा, घोड़े भाग गए। ये सुनकर वो और ज्यादा डर गया। मैंने उसके चेहरे पर एक खौफ सा देखा। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कान में कहा, यार मैंने इसकी नब्ज चेक करी थी, ये मर चुका था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हो सकता है तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए हो और उस वक्त तुमसे कोई गलती हुई हो। फिर मेरा दोस्त ने कहा, अब क्या करेंगे? यही सवाल मेरे जहन में भी गूंज रहा था, समझ नहीं आ रहा था और एक अनजाना सा डर दिल में कहीं बैठा हुआ था। एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही नहीं है, कुछ तो अजीब है, कुछ तो गलत है। चांद की आखिरी तारीख थी, इस जगह पर कोई नहीं आता था। मैं भी पहले इस बात पर यकीन करता था, पर जब से शहर गया था तब से इन बातों पर यकीन थोड़ा कम सा हो गया था। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? मैं दिल ही दिल में अब यही सोच रहा था कि बस जल्दी से सुबह हो जाए, मगर ये सुबह कब होगी? मैंने अपनी घड़ी चेक करी, इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। अब इस सुनसान बिराने में हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त तांगे वाला और वो अनजान लड़की, जो इस वक्त हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये लड़की है कौन, और सबसे अहम बात, इस वीराने में क्या कर रही है। शहबाज अमान का बड़ा भाई था और उनकी माँ का नाम रुकिया बेगम था। शहबाज के वालिद का इंतकाल शहबाज के बचपन में ही हो गया था। गांव में सिर्फ उनके ही एक हवेली थी। यूं कहा जाए कि गांव में सबसे अमीर आदमी वही लोग थे, वो खानदानी जमींदार थे। उनके बाप दादा की पुश्तैनी जमीनें यहाँ पर थी और ये लोग गांव के लोगों की मदद भी बहुत किया करते थे। अगर कहा जाए कि वो इस गांव के राजा थे तो गलत नहीं होगा। अगर आपकी इजाजत हो अम्मी जान, मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर बस स्टैंड की तरफ देख कर आऊं। नहीं शहबाज, ऐसा मत करना। मैंने फोन पर अमान से कहा था कि मैं शाम के वक्त कार भिजवा दूंगी, मगर उसने मना कर दिया और साफ साफ कहा था कि मैं दोपहर के बाद तक आ जाऊंगा, नहीं तो शाम से पहले आ ही जाऊंगा। उसका एक दोस्त भी उसके साथ आने वाला था। उसने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ आ रहा है और वो बेवजह हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। एक बात पूछूं मैं अम्मी जान, चांद की आखिरी तारीख में आप इतना घबरा क्यों जाती हो? और ये गांव वाले शाम के बाद बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? मैंने अक्सर ये पूछने की कोशिश की, मगर आपने मेरे सवाल को हमेशा टाल दिया। आखिर क्या होता है चांद की आखिरी तारीखों में? तुम ना जानो तो अच्छा ही है बेटा, इसमें तुम्हारे लिए खैरियत ही है। बस यूं समझो कि चांद की आखिरी तारीख इस गांव के लिए किसी कयामत से कम नहीं होती। क्या कहना चाहती हैं आप अम्मी जान? इतनी रात के वक्त आप बेवजह परेशान हो रही है। आप मुझे खुलकर बताएं कि आखिर क्या राज है इन चांद की आखिरी तारीखों में। ये सुनकर रुकैया बेगम ने खौफ भरी नजरों से अपने बेटे शहबाज को देखा। बेटा, ये लंबी कहानी है जो बरसों से हमारे खानदान और इस गांव से जुड़ी हुई है। जब तक अमान सही सलामत घर नहीं आ जाता, तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती। रुकैया बेगम ने बहुत परेशान और बेचैन होते हुए कहा, अम्मी जान कुछ तो बताइए। सिर्फ इतना कह सकती हूँ बेटा कि बस स्टैंड से लेकर हमारे गांव का जितने मील का फासला है, उसके दरमियान एक घना जंगल है जहाँ रात के वक्त बहुत खतरा रहता है। उस वक्त हमारे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है। इतने में मेरे कानों में आवाज गूंजी,
क्या सोच रहे हो बाबूजी? रात बहुत ज्यादा है और ठंड भी बहुत बढ़ रही है। आप लोग मेरे घर चलो, मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह तक यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, और अब तो कोई यहाँ पर कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। इतने में मेरा दोस्त शमशाद मेरे पास आया और वो कहने लगा कि हमें उस लड़की की बात माननी चाहिए। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शमशाद ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मैंने शमशाद से कहा, चलो तांगे वाले की राय और ले लेते हैं। और हम लोग उस तांगे वाले के पास चले गए। कुछ देर पहले मरा हुआ था, या यूं कहा जाए बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने तांगे वाले से कहा, क्या यहाँ पर कोई रात में सवारी और नहीं मिल सकती? तांगे वालों ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ रात में कोई नहीं आता जाता। फिर हमने तांगे वाले से कहा, क्या हमें रुबीना की बात मान लेनी चाहिए? तांगे वाला सोच में पड़ गया। शायद वो भी वही सोच रहा था जो इस वक्त मैं सोच रहा था। फिर मैंने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि इस वक्त हमारी हालत उस आदमी जैसी हो गई है जो पेड़ पर लटका है, नीचे शेर है और ऊपर सांप। कोई ना कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर रात को और रुके तो ठंड से मारे जाएंगे, तो क्यों ना उस लड़की की बात मान ली जाए। मैं हमेशा थोड़ा निडर स्वभाव का था, और हम गांव वाले जब अपनी पर आ जाए तो फिर यही सोचते हैं कि या तो मामला आर या फिर पार हो जाए। फिर मैंने रुबीना की तरफ मुड़ते हुए कहा, बोलो कहाँ है तुम्हारा घर? यही पास में है बाबूजी। आप तो बेवजह घबरा रहे हो, आप लोग एक लड़की से इतना डर रहे हो? ये कहकर वो थोड़ा मुस्कुराने लगी। तो फिर हम तीनों ने फैसला कर लिया कि रात रुबीना के घर में ही गुजारी जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने रुबीना से कहा, चलो। उसने हम लोगों को हाथ में इशारा किया और चलने लगी और कहने लगी कि बाबूजी, मेरे पीछे पीछे आओ, यहीं पास में ही मेरा घर है। और हम लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। तकरीबन आधे घंटे तक हम लोग चलते रहे। इतने में मेरा दोस्त मुझसे बोला कि यार, ये तो जंगल की तरफ जा रही है, यहाँ तो हमें कोई आसपास आबादी में नजर नहीं आ रही सिवाय वीराने के। मैंने रुबीना को रोकते हुए कहा, रुबीना, आधा घंटा हो गया हमें चलते हुए, कहाँ है तुम्हारा घर? रुबीना ने मेरी तरफ देखकर कहा, बस बाबूजी, 5 मिनट का रास्ता और है, उसके बाद आपको मेरा घर साफ साफ दिखाई देने लगेगा और मेरा गांव भी। हम सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कहकर वो चलने लगी और हम लोग उसके पीछे पीछे चलते चलते 15 मिनट और निकल गए। हमें अब कुछ दूरी पर रोशनियां नजर आने लगी। फिर हम सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वो रोशनियां और करीब आने लगी और हम लोग चलते चलते गांव की तरफ आ गए। रुबीना ने मुझे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना बाबूजी, यहीं पास में मेरा गांव है, बस थोड़ी ही दूर पर। आप लोग बेवजह डर रहे थे। मैंने रुबीना से कहा, तुम्हारी बात तो सही है रुबीना, मगर मैंने आज तक इस गांव के बारे में सुना ही नहीं। रुबीना मेरा बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अरे, तुम थोड़ा डरे हुए हो, सर्दी भी बहुत ज्यादा है और डर के माहौल में ऐसा कभी कभी होता है, याद आ जाएगा। मैंने उस गांव को बहुत गौर से देखा। अच्छा खासा गांव था, मगर हैरत की बात थी कि उस गांव में सभी घरों में रोशनी थी। सभी घरों में लालटेन जलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसे गांव में जब बिजली चली जाती है तो लोग लालटेन का प्रयोग करते हैं, और गांव में सभी घरों में आवाज आ रही थी, कुछ बड़ों की, कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़ों की, जैसे सभी लोग जाग रहे हों। मैंने रुबीना से कहा, रुबीना, क्या तुम्हारे गांव में कोई सोता नहीं है? इतनी रात में सब जाग क्यों रहे हैं? गांव में तो सभी लोग इस वक्त सो जाते हैं। रुबीना ने कहा, नहीं बाबूजी, सोते हैं,
वो क्या है ना कि हमारा छोटा सा गांव है, आज गांव में किसी ना किसी की शादी होगी और किसी एक के घर में शादी होती है तो पूरे गांव में जश्न का माहौल सा होता है। कोई नई नवेली दुल्हन दूसरे गांव से आई होगी ब्याह कर, महसूस नहीं कर रहे हैं ये पकवानों की अच्छे अच्छे खानों की महक? और हमारे गांव में रात में खाने की परंपरा होती है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। उसकी ये बात पूरी जैसे ही हुई कि मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू टकराने लगी और अचानक भूख का एहसास होने लगा और अब सर्दी का असर भी थोड़ा कम हो गया था। ये बात हम तीनों के लिए हैरतमंद थी। अब हमारा डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, मगर हमने नोट किया कि तांगे वाला अब भी खौफ में था। मैंने तांगे वाले से पूछा, क्या बात है? तांगे वाले ने धीरे से कहा, बाबूजी, ये परंपरा कुछ अजीब नहीं है। आमतौर पर तो गांव में दिन में खाना पीना होता है और यहाँ रात में। ये सुनकर मैं भी थोड़ा फिक्रमंद हो गया। फिर धीरे धीरे हमें सामने की ओर एक बहुत ही आलीशान महल सा नजर आने लगा। मैंने रुबीना से कहा, रुबीना, ये किसका महल है? रुबीना ने कहा, बाबूजी, महल कहकर हमारी बेइज्जती मत कीजिए, घर है हमारा, आइए। धीरे धीरे हम लोग उस घर की तरफ बढ़ने लगे, मगर वो घर का महल ज्यादा लग रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, अजीब बात है, हमारे गांव के करीब एक गांव भी है और यहाँ महलनुमा घर भी है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैं तो समझता था कि मैं ही अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी हूँ, मगर इस माहौल को देखकर लगता है कि कोई और भी है। ये सोचते सोचते हम सब लोग उस महल के दरवाजे के करीब पहुंच गए। महल थोड़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर था और महल के नीचे की ओर गांव वालों के मकान बने हुए थे। कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के। देखकर ऐसा लगता था जैसे अच्छी खासी आबादी हो यहाँ पर। रुबीना गेट पर पहुंची और उसने आवाज लगाई, खोलिए, मैं हूँ रुबीना। उसका इतना ही कहना था कि दरवाजा किसी ने खोला। मैंने देखा कि दरवाजा बहुत लंबा था, जैसे राजा महाराजाओं के दौर से होता है। दरवाजा लकड़ी का बना था और वो लकड़ी बहुत ही पुरानी थी, मगर आज भी ताजी महसूस होती थी। दरवाजा खोलने वाला एक लंबा चौड़ा नौजवान था जो सफेद कपड़े पहना हुआ था। उसने रुबीना को देखकर अपनी गर्दन झुका ली और हम लोगों को खा जाने वाली लाल लाल नजरों से देखा। रुबीना ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये हमारे आज की रात के मेहमान हैं। उसने कहा, जैसा आपका हुक्म। शमशाद ने मेरे कान में आकर कहा, यार, ये तो कोई राजकुमारी लगती है, ऐसा तो हम फिल्मों में देखते हैं। मैंने शमशाद से चुप रहने को कहा। रुबीना ने हमारी तरफ देखा और रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दी और फिर उसने अंदर चलने की तरफ इशारा किया और हम लोग अंदर चल दिए। जैसे जैसे हम लोग अंदर चलते जा रहे थे, वैसे वैसे हमें एहसास हो रहा था कि ये वाकई एक महल ही है। मैंने रुबीना से कहा, रुबीना, इसमें कितने कमरे होंगे? रुबीना ने चलते हुए कहा, पता नहीं बाबूजी, आज तक कभी गिने नहीं। मैं उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर उसने कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, आप लोग थके हुए हैं, पहले अंदर जाकर कुछ खा लीजिए। और हम लोग अब एक आलीशान महल नुमा कमरे में बैठे हुए थे और हमारे सामने एक बहुत लंबी चौड़ी मेज थी। रुबीना ने ताली बजाई। जैसे ही उसने ताली बजाई कि वहां पर चार औरतें काले कपड़े पहने हुए आई, जिन्होंने लंबा लंबा घूंघट डाल रखा था, उसके सामने हाजिर हो गई। हुकुम बेबी जी, ये हमारे आज के रात का मेहमान है, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। जैसा आपका हुक्म बीवी जी। ये कहकर वो चारों औरतें चली गई। कुछ ही देर बाद हमारे सामने एक से एक लजीज पकवान हाजिर थे और हैरत की बात थी, खाने में वो सब कुछ था जो हमें पसंद था। मैंने रुबीना से कहा, ये सारे हमारे पसंदीदा खाने हैं, तुम्हें कैसे मालूम? रुबीना मुस्कुराई और कहा, बाबूजी, खाइए, पहले खा लीजिए, उसके बाद सवाल करिएगा।
आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। हम लोगों को अब भूख बहुत तेज लगने लगी थी। मैंने शमशाद की तरफ देखा और शमशाद ने तांगे वाले की तरफ देखा। फिर रुबीना ने कहा, तकल्लुफ मत कीजिए बाबूजी, खाइए। और फिर हम सब लोग खाना खाने लगे और हम लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। कुछ देर के लिए हम सब भूल गए। हम ये भी भूल गए कि ये लड़की हमें वीराने में मिली थी और जिस गांव में हम लोग आए हैं उस गांव का कभी हमने नाम ही नहीं सुना। और जिस तरह से इस महल की ऊंचाई है, उससे इस महल को किसी ने क्यों नहीं देखा। हम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए। खाना खत्म हो गया, फिर रुबीना ने ताली बजाई। अब फिर से हमारे सामने वही औरतें लंबा लंबा घूंघट डाले हुए हाजिर थी। रुबीना ने इशारा किया, उठाकर ले जाओ बर्तन। कुछ ही देर में टेबल हमारे सामने खाली थी। फिर रुबीना ने कहा, बाबूजी आप लोग बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। आप लोगों के लिए अलग अलग कमरों में बंदोबस्त करवा देती हूँ। इतने में मेरा दोस्त शमशाद ने कहा, नहीं हम सब एक ही कमरे में ठहरेंगे। हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए और वैसे भी हमें यहाँ रात ही तो गुजारनी है। मैंने भी शमशाद की हाँ में हाँ मिलाई। रुबीना ने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, जैसे आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सब एक ही कमरे में ठहरे तो आपकी मर्जी। ये कहकर रुबीना ने कहा, आइए बाबूजी मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए मेरे पीछे पीछे। और हम लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर चलने के बाद हम सब एक कमरे में आ गए। उसको कमरा नहीं कहा जाए तो सही होगा, वो एक बहुत बड़ा महल माहौल था जहाँ पर हर जरूरत का सामान था और इत्तेफाक से वहाँ पर सजे हुए 3 बेड बिछे हुए थे जैसे वो हमारे लिए ही लगाए गए हों। वो भी बहुत बड़े बड़े आलीशान बेड जो पुराने जमाने में हुआ करते थे। हमारी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उस वक्त हमने खामोश रहना ही बेहतर समझा। रुबीना ने कहा, आप सो जाओ बाबूजी। मैंने रुबीना से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, क्या अपने भाईजान से मुलाकात नहीं करवाओगी, उनसे भी सलाम दुआ हो जाता। रुबीना ने कहा, वो इस वक्त सो रहे होंगे, अभी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की मर्जी हो तो बताओ, मैं उनको उठा दूं। मैंने रुबीना से कहा, नहीं छोड़ो, इस वक्त अपने भाई को परेशान मत करो। रुबीना ने मुझसे कहा, ठीक है बाबूजी मैं चलती हूँ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, अब सुबह ही आपसे मुलाकात होगी। मैंने रुबीना से पहली बार कहा कि मुझे बाबूजी मत कहो, मेरा नाम अमान है। रुबीना ने कहा, जानती हूँ। मैं सोच में पड़ गया। मैंने रुबीना से कहा, कैसे जानती हो। रुबीना ने मुझसे कहा कि अरे रास्ते में आपके दोस्त ने न जाने कितनी बार आपका नाम लिया है। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और अपने ऊपर थोड़ी हंसी भी आई। रुबीना ने मुझसे कहा, हमारे गांव का रिवाज है ये, हम अपने मेहमान को बाबूजी कहकर ही बुलाते हैं। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर उसने कहा कि सुबह बात करेंगे, अभी आप लोग थके हुए हो सो जाइए। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने कहा, बाबूजी मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना, और यहाँ वैसे भी जरूरत का हर सामान है और वैसे भी कुछ देर बाद सुबह होने ही वाली है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जब तक मैं ना आ जाऊं बाहर ना निकलिएगा। वो क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई जानता नहीं है, आप लोग यहाँ पर अजनबी हैं, बेवजह आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये कहकर तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और हम लोगों को हैरत में छोड़ गई। उसके जाने के तुरंत बाद शमशाद ने दरवाजा बंद कर दिया और शमशाद मेरी तरफ देखने लगा। फिर हम लोगों ने उसे तांगे वाले की तरफ देखा, वो भी डरा हुआ था, सहमा हुआ। मैंने तांगे वाले से पूछा, तुम ठीक तो हो। तांगे वाले मेरी तरफ देखकर कहा, बाबूजी मैं 10 साल से तांगा चला रहा हूँ, मैंने कभी भी इस गांव के बारे में नहीं सुना। हमें लगता है कि हमने बहुत गलत फैसला किया है,
हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमें रात उसी जंगल में काटनी चाहिए थी। पागल हो गए हो, मैंने तांगे वाले से कहा, रात उस जंगल में काटते सर्दी से मर जाते। जो भी हो बाबूजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बताओ बाबूजी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अजीब नहीं है? ये कौन सा गांव है? ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग 200-250 साल पीछे आ गए हैं। मैंने देखा वो बहुत डरा हुआ था। फिर मैंने उससे कहा, बकवास कर रहे हो तुम डरे हुए हो। हालांकि अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, मगर मैं अपना डर जाहिर कर देता तो ये लोग और डर जाते। मेरा दोस्त संसाद, जो अभी तक चुपचाप खड़ा हुआ था, उसने मुझसे कहा, मुझे इस तांगे वाले की बात बिल्कुल सही लग रही है दोस्त, कुछ तो यहाँ पर अजीब है। अमान, ये लड़की जिसका नाम रुबीना है, हम लोगों को बाबूजी बाबूजी कह रही है। जब हम इसे पहली बार मिले थे तब ये एक गांव की साधारण लड़की लग रही थी, मगर यहाँ इस महल में जिस तरह इसे इसकी बात को फॉलो करा जा रहा है, उससे तो लगता है कि ये एक राजकुमारी है। तुम कहना क्या चाहते हो मेरे दोस्त? मैंने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा। शमशाद ने मुझसे कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अब राजकुमारियों का दौर खत्म हो गया। क्या तुमने इस महल पर गौर नहीं करा? यहाँ पर आधुनिकता की कोई चीज मौजूद नहीं है। देखो इस कमरे को भी देखो, इस कमरे में जो रोशनदान है और जो भी रोशनदान यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बरसों पुराने हैं। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, सिर्फ अंधेरा दूर करने के लिए मशाल जली हुई है। ऐसा पुराने वक्त में हुआ करता था। ऐसा लगता है जैसे कि गांव आज के दौर से बिल्कुल अलग है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है दोस्त? अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। दिल तो मेरा भी यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं गलत जगह पर हम आ गए हैं। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, हमने वहां पर टाइम देखा था, कितना हुआ था? मेरे दोस्त ने कहा कि उस वक्त लगभग 12 या 1 बजे होंगे। मैंने शमशाद से कहा, हमें कम से कम 3 घंटे तो हो ही गए होंगे, इसका मतलब सुबह होने में 1 या 2 घंटे ही बाकी होंगे। कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम सुबह अपने घर चले जाएंगे। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी। घड़ी देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। शमशाद मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, यार अपनी घड़ी देखो, टाइम कितना हुआ है। शमशाद ने अपनी घड़ी देखी तो वो भी मेरी तरफ हक्का बक्का देखने लगा। फिर उसने उस तांगे वाले से कहा, जरा टाइम देखकर बताओ कितना हुआ है। तांगे वाले ने अपनी घड़ी देखी तो बोला, बाबूजी इसमें तो अभी 1 ही बजा है, लगता है मेरी घड़ी खराब हो गई है। शमशाद ने मुझसे कहा, मेरी घड़ी में भी 1 ही बज रहा है। मैंने शमशाद से कहा, मेरी घड़ी में भी 1 ही बज रहा है। हम तीनों की घड़ी एक साथ खराब नहीं हो सकती। शमशाद और मैं और वो तांगे वाला खौफ में आ गए। शमशाद ने मुझसे कहा, मैंने कहा था ना अमान कि हम गलत जगह आ गए हैं, कम से कम 3 घंटे आराम से हो गए हैं, घड़ी भी 1 ही बज रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत गहरी सोच में डूब गया। मैंने शमशाद से कहा, सही कहा, ये घड़ी वही वक्त दिखा रही है जो उस वीराने में दिखा रही थी। ये सब क्या हो रहा है अमान? मैं भी यही सोच रहा हूँ शमशाद कि ये सब क्या हो रहा है, हम तीनों की घड़ी 1 ही वक्त क्यों दिखा रही है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों की घड़ी एक साथ खराब हो जाए। लेकिन अब क्या किया जाए? शमशाद ने अमान को घूरते हुए कहा, इंतजार सुबह का। फिर अमान के तांगे वालों को देखते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तांगे वाले ने कहा, मेरा ख्याल है बाबूजी, हम लोगों को अब सो जाना चाहिए। ख्याल तो तुम्हारा दुरुस्त है। यह सुनकर अमान ने कहा, मगर कंबकत नींद दूर दूर तक आंखों में नहीं है। अचानक अमान को कुछ याद आया, तुम्हें चोट लग गई थी ना, और तुम बेहोश भी हो गए थे,
उस वक्त हम तुम्हारे खैरियत नहीं पूछ पाए सही से। क्या हुआ था तुम्हें? यह सुनकर तांगे वाला खामोश हो गया। बोला, बाबूजी सच बताओ तो मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि मैं तांगा चला रहा था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मुझे होश आया तो ये लड़की रुबीना मेरा हाथ पकड़ी हुई थी और आप लोग मुझे देख रहे थे। यह सुनकर अमान खामोश हो गया। यार हमें तांगे वाले की बात सही लग रही है, हमें सो जाना चाहिए। शमशाद ने अमान की तरफ देखते हुए कहा, वो बात तो तुम्हारी सही है मगर नींद कैसे आएगी वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, पर कम से कम थोड़ी थकावट तो उतरेगी। वैसे भी सुबह से हम लोग चले हुए हैं, थकावट हावी हो रही है। ये सुनकर अमान ने भी महसूस किया कि उसका बदन थकावट से चूर हो रहा था और उन लोगों ने पेट भर के खाना भी खाया था। नींद तो नहीं आ रही थी मगर लेटने को जो जी चाह रहा था। तुम सही कहते हो शमशाद, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाद में देखते हैं क्या करना चाहिए। और तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। अमान लेटे लेटे यही सोच रहा था कि उसके घर वाले किस कदर परेशान हो रहे होंगे। अम्मी जान कितना परेशान हो रही होगी, उन्होंने कहा था गाड़ी भेजने की मगर उसने ही मना कर दिया था। काश वो अम्मी जान की बात मान लेता। फिर वो रुबीना के बारे में सोचने लगा। सच में उसे रुबीना एक बहुत ही रहस्यमय लड़की लग रही थी और जब से वो लड़की उसको मिली थी तब से कुछ तो अजीब हो रहा था। बस उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अजीब है, मगर उसको कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ये सोचते सोचते वो कब नींद की वादियों में चला गया पता ही नहीं चला। वो तीनों गहरी नींद सो गए। अमान को आवाज थोड़ी जानी पहचानी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा है। फिर उसके कानों में आवाज टकराई, आंखें खोलो अमान। अमान ने अपनी आंखें खोल दी मगर ये क्या, वो तो एक हॉस्पिटल में था, उसके ही गांव का हॉस्पिटल जो उसके ही बाप दादा ने बनवाया था। और आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ा भाई शहबाज था। खुदा का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा होश में आ गया। इतने में एक आवाज उसके कानों में टकराई। ये आवाज वो कैसे भूल सकता था, वो कोई और नहीं है उसकी माँ की आवाज थी, रुखैया बेगम की आवाज। उसने हैरत भरी नजरों से सबको देखा। सामने उसका बड़ा भाई था और बगल में उसकी माँ जो हाथ उठाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अमान को एक बार को ख्याल आया कि लगता है वो कोई सपना देख रहा है। उसने उठने की कोशिश की मगर उसने महसूस किया कि उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसका दिमाग फटा जा रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। रात में तो वो कमरे में सोया था, फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसका दोस्त और टांगे वाला भी तो सो रहा था। उसने अपने भाई से कहा, ये ड्रिप हटाओ, मुझे उठने दो। शहबाज ने कहा, नहीं तुम आराम करो भाई, पूरे एक महीने बाद तो तुम्हें होश आया है। ये सुनकर अमान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या, एक महीने बाद? कल रात ही तो सोया था और उसको नींद भी नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रहा था, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? उसने अपना भाई से पूछा, शमशाद कहाँ है? इतने में उसके करीब उसकी अम्मी जान आ गई। खुदा का शुक्र है अमान की तुम होश में आ गए, तुम और तुम्हारा दोस्त हमें दूसरे दिन जंगल में बेहोश में मिले। और वो तांगे वाला? फिर अमान ने अम्मी जान से कहा, और तांगे वाला कहाँ है? नहीं बेटा, हमें वहां पर कोई तांगे वाला नहीं मिला, हमें सिर्फ तुम दोनों मिले। शमशाद अभी भी बेहोश है, उसको भी होश में लाने की कोशिश हो रही है, डॉक्टर्स बराबर उसको चेक कर रहे हैं। हमने शहर से डॉक्टर बुलवाए थे, डॉक्टर्स का कहना है कि वो भी होश में आ जाएगा।
इतने में एक डॉक्टर कमरे में आ गया। होश में आ गए ये। फिर डॉक्टर बीपी वगैरह चेक करने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बीपी नॉर्मल है, धड़कन भी सही चल रही है, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हो। तभी एक नर्स की आवाज आई, डॉक्टर साहब इनका दोस्त को भी होश आ गया है। डॉक्टर नर्स की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, खुदा का शुक्र है दोनों को होश आ गया है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया और मैं अपने आप को पागल समझ रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने फिर अम्मी जान से कहा, क्या वाकई वहां पर कोई तांगे वाला नहीं मिला? अम्मी जान ने कहा, बेटा पहले घर चलो, वहीं पर बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है तू और तेरा दोस्त खुश नसीब है जो उस वीराने से जिंदा लौट कर आ गए, वरना आज तक कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाया। अब सब बातें घर पर चलकर करेंगे। मेरे दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर ये हो रहा था और सच में हो रहा था, और आगे क्या होगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो गांव, रुबीना, वो कमरा अचानक एक ही रात में कहाँ खो गए, और मेरा भाई मुझे बता रहा है कि तुम्हें एक महीने बाद होश आया है। मेरे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग फटा जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो रहा हूँ, मगर मैं अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करा हुआ था। उन लोगों के लिए मैं एक महीने से बेहोश था, मगर सच तो ये है कि मैं कल रात ही तो सोया था। फिर अचानक मेरी निगाह सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी पर गई और फिर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। सामने वाली घड़ी एक ही बजा रही थी, वही वक्त बता रही थी जो उस वीराने में था। घड़ी देखकर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मैं सपने में हूँ। रात के वक्त भी जब हम तीनों ने देखा था तब मैं घड़ी एक ही बजा रही थी और अभी भी एक ही बजा रही है। ये सब क्या हो रहा है, मैं सोच ही रहा था तभी मेरे भाई की आवाज मेरे कानों में गुजी, चलो अमान घर चलना है। और मैं अपनी सोच से बाहर आ गया और मुझे थोड़ा यकीन हो गया कि ये सपना नहीं हकीकत है। इतने में अम्मी जान ने कहा, तुम्हारे दोस्त की भी तबीयत अब सही है, डॉक्टर ने कहा है कि वो भी घर जा सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और उसने मेरे हाथ से ड्रिप निकाली और मुझसे पूछने लगा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उसकी बात पर मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया और वो डॉक्टर भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर बाद शमशाद मेरे सामने खड़ा हुआ था, हक्का बक्का। उसकी शक्ल बता रही थी कि उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर वो चुपचाप खड़ा था। शायद उसके भी दिल में वही सवाल चल रहे थे जो मेरे दिमाग में थे। फिर मैंने सोचा, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हम सब लोग अपने कार में अपनी हवेली की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद हम घर आ गए। हमने देखा हमारे घर में बहुत से गांव वाले पहले से मौजूद थे। इतने में जो गांव में जब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी गांव वाले बहुत सम्मान करते थे, वो आगे आए और मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम सही सलामत वापस आ गए अमान। गांव वाले थोड़ी बहुत देर बाद वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद शमशाद मेरे पास आया और कहने लगा, यार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैंने शमशाद को सवाल भरे नजरों से देखा, यार मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शमशाद ने मुझसे कहा कि यार हॉस्पिटल में मैंने जब घड़ी देखी थी तो वो घड़ी भी एक बजा रही थी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, मगर अब लगता है कि नहीं, ये सपना नहीं हकीकत है। मगर फिर लगता है कि हमारे साथ जो हुआ वो सपना था, या ये सपना है। यार मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से तेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम लोग एक महीने से बेहोश थे और वहां उन्हें कोई तांगे वाला नहीं मिला,
यार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है। शमशाद, तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सेम वही सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। मुझे भी उनके जवाब चाहिए। बेहतर होगा कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। यार तू पागल हो गया है, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तू कैसे किसी नॉर्मल आदमी की तरह बात कर सकता है? और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं शमशाद, बेहतर है यही होगा कि दिमाग पर ज्यादा बोझ ना डालें। हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा, मगर उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग बातें कर ही रहे थे, इतने में मेरे बड़े भाई हमारे पास आ गए और हमें देख कर बोले कि अब तुम लोग परेशान मत हो, सब सही है, रात होने वाली है, तुम दोनों को अम्मी जान बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद हम लोग अम्मी जान के सामने बैठे थे। बेटा ये एक महीना सदियों की तरह कटा है हमारे साथ, अब तुम बताओ अमान तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। अम्मी जान का सवाल सुनकर मैंने शमशाद की तरफ देखा। अम्मी जान मुझे बहुत गौर से देख रही थी और शमशाद मुझे घूर रहा था। मैं सोच रहा था कि पूरी बात बताऊं कि नहीं, पता नहीं अम्मी जान मेरी बात पर यकीन करेगी या नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि पूरी बात ना बताकर थोड़ी बहुत बात बता दी जाए, नहीं तो सारी बातें सुनकर घरवाले और परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ इतना पता है कि जंगल में हमें एक लड़की मिली थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए, हमें कुछ होश नहीं रहा। अम्मी जान मुझे बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा बेटा कोई बात छुपाना नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो ना। मैंने हाँ में सर हिलाया कि हाँ माँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मैंने तुम दोनों का बिस्तर तुम्हारे वाले कमरे में लगवा दिया है। मैं और शमशाद अपने कमरे चले गए। शमशाद ने मुझसे कहा यार अब तो लेटते हुए भी मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाए और हमारी आंख उसी हवेली में खुले। मैंने शमशाद को खौफ भरी नजरों से देखा। सच बताओ शमशाद मुझे भी यही लग रहा है, अभी भी और हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे, बातें करते करते कब नींद की वादियों में चले गए पता ही नहीं चला। अम्मी जान मुझे बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा बेटा कोई बात छुपाना नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो ना। मैंने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मैंने तुम दोनों का बिस्तर तुम्हारे वाले कमरे में लगवा दिया है। मैं और शमशाद अपने कमरे चले गए। शमशाद ने मुझसे कहा यार अब तो लेटते हुए भी मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाए और हमारी आंख उसी हवेली में खुले। मैंने शमशाद को खौफ भरी नजरों से देखा। सच बताऊं शमशाद मुझे भी यही लग रहा है अभी भी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे, बातें करते करते कब नींद की वादियों में चले गए पता ही नहीं चला। फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और हम दोनों चौंक कर उठ गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज फिर आई, मैं आवाज को पहचान गया, आवाज हमारी घर की नौकरानी की थी। मेरी जान में जान आई कि मैं अपने घर पर ही था। मैंने उठकर दरवाजा खोला, वो चाय लाई थी। नौकरानी ने हमसे कहा आप लोग तैयार हो जाओ, नीचे अम्मी जान नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रही है। ये कहकर वो चली गई। मैंने और शमशाद ने एक दूसरे की तरफ देखा। शमशाद के चेहरे पर अब कुछ सुकून नजर आ रहा था। कुछ देर बाद हम लोग तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे नाश्ता करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, हमें और शमशाद को पूरे 15 दिन हो गए। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें भूलने से लगे थे। अब शमशाद भी मुझसे कहने लगा था कि यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम लोग सपना नहीं देख रहे थे, मगर उस तांगे वाले के बारे में सोचकर यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं हकीकत थी। हम लोग की बातें कर ही रहे थे कि अचानक शमशाद बोला यार अब मैं घर जाना चाहता हूँ। उसकी बात का मैं जवाब देने ही वाला था कि पीछे से मेरे बड़े भाई की आवाज आई।
चले जाना शमशाद, चले जाना, मगर अभी नहीं। हम लोग सवालिया नजरों से अपने बड़े भाई को देखने लगे। सहबाज भाई ने मुझसे कहा, हमारे गांव के करीब रहने वाले एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग है, अल्लाह वाले, तुम लोगों की बात उन तक कुछ दिनों पहले पहुंची है। उनके पास वक्त नहीं था आने का, मगर आज वो आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए। मैंने अपने भाई से कहा, क्या, क्यों? ये सुनकर वो हंसने लगे, बोले, घबराओ मत, सिर्फ तुम्हें देखना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, सब चुप थे, सिर्फ अम्मी जान की आवाज आ रही थी और वहां गांव के बुजुर्ग पीर बाबा वहां बैठे हम लोगों को घूर रहे थे। मैंने पीर बाबा को बहुत गौर से देखा, वो वाकई बहुत ही बुजुर्ग थे और उनके चेहरे पर नूर साफ साफ झलक रहा था। पीर बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे दोस्त शमशाद को भी। पहले उन्होंने शमशाद का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, बेटा कोई बात नहीं, वहां बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक आंखें उन्होंने खोल ली और बहुत आहिस्ता आवाज में उन्होंने मुझसे कहा, इतनी आहिस्ता आवाज में कि उनकी आवाज सिर्फ मैं सुन सकता था और बाकी कोई घर वाला नहीं, यहां तक कि मेरा दोस्त शमशाद भी नहीं। क्या तुमने पूरी बात अपनी अम्मी जान को बताई? मैंने भी बहुत आहिस्ता से कहा, नहीं पीर बाबा। पीर बाबा ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए, फिर उन्होंने मुझसे कहा, इस वक्त तुम कहां हो? उनका सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, पीर बाबा मैं तो अपने घर पर हूँ, आपके सामने। ये सुनकर पीर बाबा मुस्कुरा दिए और मुझसे कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम अपने घर पर ही हो मेरे सामने, लेकिन मेरे सवाल को गौर से सुनो, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं कुछ कहना ही वाला था कि अचानक पीर बाबा ने घड़ी की तरफ इशारा किया। जब मैंने घड़ी को देखा तो एक बार को मेरा दिमाग फिर सुन हो गया। सामने वाली घड़ी भी एक ही बजा रही थी, उस वीराने में भी वही वक्त था। फिर मुझे याद आया कि हम लोगों को यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए हैं, मगर हम लोगों ने अभी तक वक्त देखा ही नहीं। मैं सोचने लगा कि हमारी नजर इतनी दिनों तक घड़ी पर क्यों नहीं गई, हमने वक्त क्यों नहीं देखा। और मैं फिर उलझ गया। फिर मैंने पीर बाबा को देखा जो मुस्कुरा रहे थे, और फिर मैंने घड़ी को देखा, वो घड़ी एक ही बजा रही थी जो उस वीराने में बजा रही थी। फिर मैंने पीर बाबा की तरफ देखा, उनकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमय थी। फिर मैंने पीर बाबा से आहिस्ता से कहा, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक आप लोग सुन रहे थे आज पल्लवी पॉडकास्ट में कासिम अंसारी जी की लिखी हुई कहानी वीराना का पार्ट 1। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मुझे मोटिवेट मिलता है और मुझे पता चलेगा कि मेरा गलती कहां पर है। और एक बात दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आप लोग अपना कोई ट्रू हॉरर स्टोरीज या फिर कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी हूँ, मुझे फेसबुक पेज, अदरवाइज मुझे ईमेल में PDF भेज सकते हैं। लेकिन वो कहानी ओरिजिनल होनी चाहिए और वो स्टोरीज कहीं पर भी नहीं कही जानी चाहिए, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, तो ही मैं वो कहानी कह सकती हूँ। दोस्तों इसके बाद मेरा वीराना के पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्द, मंडे तक आ ही जाएगा। तो उसके बाद मैं अपना कहानी ला रही हूँ, मैं खुद की लिखी हुई कहानी ला रही हूँ बहुत ही जल्द। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए इसके बाद आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। क्या आप लोग हैरी पॉटर का सीरीज सुनना चाहते हैं या फिर मेरी लिखी हुई कहानी सुनना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं वीराना का पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।